हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैजेट्स अनलीड। मेरा नाम है आशीष और मेरे चैनल का नाम है गैजेट्स अनलीड। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो नेचर को बहुत एडमायर करते हैं और उनको अपने वीडियो के अंदर कैप्चर करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं लोगों को और अपने फ्यूचर वीडियो लॉग्स के लिए कि ये क्या चीज थी और ये क्या चीज नहीं थी। जी हाँ, आप बहुत सही समझ रहे हैं, मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक माइक का। और ये माइक कोई ऐसा वैसा माइक नहीं है, ये एक कार्डियोइड माइक है जो बहुत ही हैंडी है और बहुत इजी टू यूज है। सो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये है माइक, ये है बोया की तरफ से आया हुआ एक BYMM1 कार्डियोइड माइक, यूनिवर्सल कार्डियोइड माइक्रो। सो ये माइक जो है ये आपके डिवाइसेस के ऊपर, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर वो हो DSLR, उसके ऊपर लग जाता है और बहुत आसानी से काम करना शुरू कर देता है। ये माइक जो है ये आपके स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर, जैसे कि आपका फोन हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, आपका DSLR कैमरा हो गया, उसके ऊपर बहुत आसानी से लग जाता है। तो फटाफट चलते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे तो आप सबको अब ये पता ही होगा कि मैं फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग नहीं करता हूँ, फर्स्ट टाइम सबसे पहले मैं खोल के यूज कर लेता हूँ चीज, अगर वो अच्छी लगती है तभी मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ और आप सबके लिए लेकर आता हूँ। तो देखते हैं ये प्रोडक्ट के बॉक्स के अंदर क्या क्या है और आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है, ये कंटेंट हमें क्या क्या मिल रहा है। ये एक बोया का स्टिकर मिला है, इसका वारंटी कार्ड मिला है, ये यूजर बुकलेट मिली है, ये कैरी पाउच मिला है, ये एक डेड कैट मिली है, दो केबल्स मिली है। एक हमारी TRRS है जो आपके DSLR कैमरा के साथ लगेगी, और एक केबल है ये 3.5mm की TRS जैक जो आपके स्मार्टफोन डिवाइसेस को कनेक्ट करेगी इस माइक्रोफोन के साथ। और ये है वो प्रोडक्ट जिसका सारा खेल है इस चीज के पैसे। जी ये है वो माइक्रोफोन, कार्डियोइड माइक्रोफोन, बहुत ही अच्छा फीलिंग कर रहा है हाथ में, देखिए यहाँ पे इसकी ग्रिल लगी हुई है, ये इसका फ्रंट है, यहाँ पे इसका 3.5mm का जैक लगता है, ये इसका शॉक प्रूफ माउंट है जो सीधा DSLR से कनेक्ट हो जाता है, आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है, आपके ट्राइपॉड से कनेक्ट हो जाता है और माइक को हिलने से बचाता है। ये है एक क्वालिटी सर्टिफिकेट छोटा सा, और सिलिका जेल है, और इस बक्से के अंदर और कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं कि इस माइक्रोफोन को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले इस शॉक माउंट के ऊपर माइक्रोफोन को फिक्स करेंगे, और जैसे ये हमारा ट्राइपॉड है, एक इस ट्राइपॉड के ऊपर डायरेक्ट इंस्टॉल कर देंगे। जो अभी मेरी आप आवाज सुन रहे हैं ये Samsung S10 के कैमरा से है, और इसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि माइक्रोफोन लगाने के बाद कैसी आवाज आती है। इसको लगाएंगे हम केबल पर और अभी माइक चीज़ पर नहीं, तो सब कुछ करेंगे। अब ये जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं वो है M11 माइक के साथ। आप मुझे बताइए, क्या माइक लगाने के बाद क्या कोई ऑडियो क्वालिटी के अंदर डिफरेंस आपको पता लग रहा है? जैसे मैंने अपने दिवाली ब्लॉग के अंदर ये वाला माइक यूज किया था और मेरे को तो बहुत ज्यादा, मैं पिछले दो वीडियो मैंने बनाई है, एक दिवाली ब्लॉग और एक होम टेरेस के अंदर जो हमने मॉडिफिकेशन करी थी, वो दोनों वीडियोस के अंदर मैंने ये वाला माइक यूज करा है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा डिफरेंस पता लग रहा था कि जो सैमसंग के स्मार्टफोन का जो इंटरनल माइक होता है उसका डिफरेंस, और जो ये एक्सटर्नल माइक मैंने लगाया है बोया M11 कार्डियोइड माइक,
इन दोनों के ये लगाने के बाद इन दोनों के बीच में मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस पता लग रहा था, और साथ ही साथ मुझे ये भी पता लग रहा था कि ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है। सो अगर जैसे मैं इसे जिस साइड पे फोकस करता हूँ ये उसी साइड की आवाज कैप्चर करेगा, ना कि सराउंडिंग्स की भी। अगर आपने वीडियो शुरुआत से देखी है तो आपको पहले पता होगा कि मेरे घर के आसपास कई कंस्ट्रक्शन हो रही है और कई कटिंग की मशीन चल रही है, पर अब जैसे कि वो मशीन अभी भी लगातार चल रही है पर आपको माइक के अंदर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि यही माइक की खासियत है कि ये आसपास की एटमॉस्फेयर नॉइस को कैप्चर नहीं करता। जिस डायरेक्शन में आप इसको पॉइंट आउट करेंगे ये उसी डायरेक्शन की आवाज पकड़ेगा और आपको बताएगा। ओमनी डायरेक्शनल माइक है, इसका मतलब यही है, ओमनी का मतलब होता है सिंगल और डायरेक्शन का मतलब आपको पता ही है कि सिंगल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपको पॉइंट आउट करेंगे ये उसी डायरेक्शन की आवाज आपको पकड़ेगा और बाकी सराउंडिंग की आवाज को नहीं पकड़ेगा। हमेशा साथ में चला है। यहां तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बनाना है आपके फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली में अगर किसी को, तो उनके साथ ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और आगे आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So stay tuned, जल्दी जल्दी अब वीडियोज आएंगी और ज्यादा अच्छे से हम काम कर पाएंगे।